ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब वो घर में रहे। हम पहला फेज जो है जो हमारे सर्वे का और उन सब में हम अच्छी सफलता हमने पाई है, ताकि और जो हमारे केसेस हैं वो भी अब इतने नहीं बढ़ रहे। सबसे खुशी की बात है कि हमारे जो 26 पॉजिटिव आए हैं उसमें से 7 केसेस हमारे नेगेटिव हो गए हैं, मतलब 7 जने हमारे ठीक हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। तो इसलिए और आज एक और हो गया है तो 8वां ठीक हुआ है, तो ये अच्छी खबर है। आप सब लोग यदि इसी तरह डिसिप्लिन में रहे तो भीलवाड़ा की जनता के सहयोग से हम इस कोविड-19 पर विजय पा पाएंगे, इस युद्ध में हम सफल हो पाएंगे। तो अब मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूं कि दिनांक 3 तारीख से आने वाली अगले 10 दिन हम अपने घरों में हर हालत में रहेंगे। जितने पासेस अभी हमने दिए हैं वो सारे पासेस हम कैंसिल करने जा रहे हैं। वो सारे लोग, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जन सहयोगी लोग हो, चाहे एनजीओ हो, जिला प्रशासन अपने पास वो सारा सामान इकट्ठा कर रहा है। आपको एक टाइम टेबल दिया जाएगा, जिस टाइम टेबल में कौन कौन सी गाड़ियां कब कब पहुंचती हैं, ये टाइम टेबल होगा। और इस टाइम टेबल को आप ध्यान से देखें कि आपके वार्ड में भंडार की वैन, फल की सब्जियों की वैन, सचिव जो कृषि मंडी है उनके वहां से कब तक पहुंचेगी, तब तक आप इसको नोट कर लें। और नोट करके उसी वार्ड के लोग गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े होकर वो सामान लेंगे। यदि वो सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े होकर सामान नहीं लेते तो वो वैन वहां से चली जाएगी और आपको सामान नहीं मिलेगा। और जब आपका अगला 5 दिन बाद राउंड होगा तभी वो आपको सामान मिल पाएगा। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि 3 तारीख से अगले 10 दिन मतलब 13 तारीख की शाम तक आप लोग कोई भी घर से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल बैरिकेडिंग हो चुकी है, पुलिस को ये हिदायत दी गई है, ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति बिना किसी ऐसे कारण के जिसमें कोई मेडिकल रिलीफ हो या एक किसी के जान माल का कोई खतरा हो, उसके बिना यदि कोई बाहर निकला तो पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो हमारे कंट्रोल रूम खुले हैं, हमारे वार रूम के नंबर सबको पब्लिश हो चुके हैं और मेरा नंबर हमेशा 24 घंटे खुला है। हमारी जो टीम प्रशासन की है उस सबके नंबर आपको याद हो चुके होंगे, फिर भी कंट्रोल रूम के नंबर मैं फिर आपको बता देता हूँ, 2303030 और 232626। इसको आप ध्यान में रखें, वहाँ वॉर रूम है, वहाँ 6 व्यक्ति हैं, उनके ऊपर 2 आरएस अधिकारी लगे हुए हैं जो आपकी जो भी कठिनाई है उसका समाधान करने को है। जिन व्यक्तियों के पास खाने का सामान उपलब्ध नहीं है, मजदूर हैं जो रोज का रोज कमाते थे और खाते थे, अब उनकी फैक्ट्रीज बंद है, लेबर हैं, उन लोगों के लिए घर पे खाना पहुंचेगा जो बन के हम पैकेट्स के अंदर वहां पहुंचाएंगे। उनको लिस्टिंग हो चुकी है और उस लिस्टिंग के अनुसार उनके यहाँ खाना पहुंचाया जाएगा। यदि कोई उस लिस्ट में से छूट गया है तो वो कंट्रोल रूम में अपना नाम पता लिखा सकता है तो उसके यहाँ भी पहुंच जाएगा। जिन व्यक्तियों के पास जो लेबर कॉलोनी है, कच्ची बस्तियां हैं, जहां हम रॉ फूड मटेरियल दे रहे हैं, वहां एक बार पूरा सबको रॉ मटेरियल फूड दिया जा चुका है। अब जो सेकेंड राउंड होगा उन बस्तियों में रेगुलर रहेगा, वो हमारी गाड़ियां सिर्फ उन्हीं को परमिट होगा जो ये सामान लेकर उन जरूरतमंदों के पास जा रही हैं। लेकिन और किसी भी को ये सब मना होगा, प्रेस के भी पास खत्म होंगे, जितनी समाज से भी संस्थाएं उनके पास, सड़क पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए। यदि कोई नजर आता है पुलिस सख्ती से उनके खिलाफ उनके पर कार्रवाई करेगी और वह माना जाएगा कि वह इस युद्ध में हम लोगों के साथ नहीं है। तो युद्ध में जो साथ नहीं देते उनको क्या कहते हैं आप सब जानते हैं। तो इस युद्ध में हर व्यक्ति का साथ चाहिए, भीलवाड़ा का एक एक जन हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और इस युद्ध में सहयोग करेगा तभी हम ये जीत पाएंगे। तो सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप अपने अपने घरों में बंद रहेंगे,
सामान आपके पास एसेंशियल फूड आर्टिकल सब पहुंच चुके हैं और रोज एसेंशियल फूड आर्टिकल हमने बांट दिए हैं उन उन वार्डों की लिस्ट में, जो पहुंचेगा वो आपको मिल जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर में अपने परिवार के साथ समय बिताए, इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा कि इतने समय तक आप अपने परिवार अपने बच्चों के साथ साथ रह पाए और उनको एक दूसरे को जाने और उनके अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इसकी प्लानिंग करें। आप लोग सब घर में रहें, यही कर जो हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है।